हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोफिलिक भावनापुरी। दोस्तों आज हम बात करेंगे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 15 के बारे में, दैट इज बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि बायोडायवर्सिटी है क्या। सो फ्रेंड्स, हम अपने सराउंडिंग में अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं, अलग अलग स्पीशीज को देखते हैं, राइट? तो किसी भी एक हैबिटेट में, किसी भी एक एरिया में मिलने वाली जो वैरायटी है, यानी कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको हम बोलेंगे, वो उस जगह की बायोडायवर्सिटी को फॉर्म करेंगे। तो जो स्पीशीज हैं, यानी कि जो वैरायटी है हमारे वर्ल्ड में, वो वेरी कर सकती हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की। जैसे कि आप सामने देख सकते हो, यहाँ पर आपको गिवन है, लेट अस बिलीव, या फिर इट्स हार्ड टू बिलीव दैट देर आर मोर देन 20,000 स्पीशीज ऑफ एंट्स। लगभग 20,000 से भी ज़्यादा चींटियों की स्पीशीज है, 3 लाख से भी ज़्यादा बीटल्स की स्पीशीज है, और 28,000 से ज़्यादा स्पीशीज आपको फिशेज की मिल जाएंगी, एंड ऑर्किड्स आर नियरली 20,000। तो इनकी जो स्पीशीज के नंबर यहाँ पर गिवन है, यू मस्ट हैव एन आइडिया अबाउट इट, राइट? तो ये क्या बोलेंगे हम, बायोडायवर्सिटी, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो वैरायटी है या फिर जो टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म एक एरिया में मिलेंगे। ये जो टर्म है बायोडायवर्सिटी, दिस वाज गिवन बाय अ साइंटिस्ट, अ सोशियोबायोलॉजिस्ट, जिनका नाम था एडवर्ड विल्सन। तो आपको याद रखना है कि एडवर्ड विल्सन एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने ये बताया था कि किसी भी एक एरिया में, किसी भी एक एनवायरमेंट में जो डिफरेंट टाइप्स की स्पीशीज रहती हैं, वो सभी मिलकर उस एनवायरनमेंट की बायोडायवर्सिटी को फॉर्म करेंगे, राइट? आगे बढ़ते हैं, तो कितने लेवल्स ऑफ स्पीशीज या कितने लेवल्स ऑफ डायवर्सिटी हैं जो कि इन्होंने बताए थे। सो यू कैन सी देयर आर 3 लेवल्स। तो वो कौन कौन से तरीके की डायवर्सिटी होगी? द फर्स्ट वन इज जेनेटिक डायवर्सिटी। सबसे पहले वाली कौन सी होगी? जेनेटिक डायवर्सिटी, राइट? तो यहाँ पर जेनेटिक का मतलब क्या है? जीन कंपोजिशन, यानी कि जो जेनेटिक कंपोजिशन होगा उसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, राइट? तो देखिए, जो भी जेनेटिक कंपोजिशन होता है, वो सभी ऑर्गेनिज्म का वेरी करता है, अलग अलग होता है, राइट? तो यहाँ पर एग्जांपल्स में आप देखोगे कि जो जेनेटिक कंपोजिशन है, उसके बेसिस पर हमने जो डायवर्सिटी है उसको डिवाइड किया हुआ है। और यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स आपको गिवन है, जैसे कि देयर इज अ प्लांट नेम रोवोल्फिया वोमिटोरिया। ये एक ऐसा प्लांट है जो कि हिमालय की रेंज में ग्रो करेगा, और इसके अंदर पोटेंशियल है, यानी कि पोटेंसी है एक एक्टिव केमिकल को प्रोड्यूस करने की, राइट? दैट इज रेसरपाइन। क्या नाम होगा केमिकल का? रेसरपाइन, ठीक है? अब यहाँ पर हम देखेंगे कि मैंगो के बारे में भी कुछ बात हो रही है। मैंगो की भी बहुत सारी जेनेटिक डायवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी। वो कितनी होती हैं? 1000 वेराइटीज, राइट? और राइस की कितनी होगी? इंडिया हैज मोर देन 50,000, 50,000 से भी ज्यादा जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स आपको राइस के इंडिया में मिल जाएंगे। तो उसका मतलब ये हुआ कि राइस की 50,000 ऐसी वेराइटी है जिनका जेनेटिक कंपोजिशन अलग अलग होगा, राइट? नेक्स्ट देखिए, स्पीशीज डाइवर्सिटी। किसी भी एक हैबिटेट में जो नंबर ऑफ स्पीशीज हैं, वो वेरी कर सकते हैं दूसरे हैबिटेट के कंपैरिजन में, है ना? तो यहाँ पर ये बोला गया है कि जो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट है, दो घाट्स हैं जिनको हॉटस्पॉट भी बोला जाता है, तो जो डाइवर्सिटी होती है स्पीशीज लेवल पर, अगर आप उसको ऑब्जर्व करोगे वेस्टर्न घाट में, तो वहाँ पर ज़्यादा एम्फीबियंस मिलेंगे देन ईस्टर्न घाट। तो फ्रेंड्स, हमें ये याद रखना है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी में हम उन वैरायटीज के बारे में बात करेंगे जो कि जीन कंपोजिशन या जेनेटिक कंपोजिशन के बेसिस पर एक दूसरे से डिफर करती हैं। और स्पीशीज डाइवर्सिटी में हमने एग्जांपल पढ़ा था कि वेस्टर्न घाट में जो एम्फीबियन की स्पीशीज होती है, वो ज़्यादा होगी दैन ईस्टर्न घाट, राइट? अब हम इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करेंगे। तो इकोलॉजी का मतलब क्या है? इकोसिस्टम का मतलब क्या है? प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो इकोसिस्टम है, वो एक ऐसा हैबिटेट है
जहां पर लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेंगे या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ भी इंटरैक्शन कर सकते हैं। तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में आप देखोगे कि ये जो इकोसिस्टम लेवल है वो वेरी कर सकता है। अगर सिर्फ इंडिया के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो उसमें ही आपको बहुत ज़्यादा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, जैसे कि डेजर्ट, वहाँ का अपना इकोसिस्टम अलग होता है, क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग होती हैं और टाइप ऑफ डाइवर्सिटी भी अलग होगी। देन रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव्स, कोरल रीफ्स, वेटलैंड्स, एस्टुरीज एंड अल्पाइन मीडोज, सो दीज ऑल आर द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ऐसी इकोसिस्टम है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। ये हम इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इंडिया के ये कुछ ऐसे हैबिटेट्स हैं, ऐसी जगह है जहाँ पर नॉर्वे जैसी कंट्री से भी ज़्यादा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी, राइट? आगे बोला जा रहा है कि जिस तरीके से इवोल्यूशन चलता जा रहा है तो जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्होंने डाइवर्सिटी या फिर नेचर में अपने आप को इवॉल्व करने की, अक्यूमुलेट करने की जो क्षमता है उसको भी बढ़ा लिया है ना। तो काफ़ी समय से इवोल्यूशन चलता आ रहा है, लोगों की अपने न्यू एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने की जो एबिलिटी है वो भी इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है? उससे क्या होगा, बेटर अडेप्टेबिलिटी होगी, सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा होंगे। आगे बढ़ रहे हैं हम, नाउ वी विल टॉक अबाउट नेक्स्ट टॉपिक, हाउ मैनी स्पीशीज आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मैनी इन इंडिया। हमें इंडिविजुअली पढ़ना है कि इंडिया में कितनी स्पीशीज है और हमारे पूरे वर्ल्ड में कितनी स्पीशीज है, अर्थ पे कितनी स्पीशीज है, ठीक है? तो भाई हम जाकर इंडिविजुअली काउंट तो कर नहीं सकते, दो स्पीशीज मुझे यहाँ मिली, तीन स्पीशीज मुझे वहाँ मिली, राइट? तो एक यूनियन बनी हुई है जिसको हम कहते हैं IUCN, IUCN, इसको क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। 2004 में जो IUCN है उन्होंने टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज को डिस्क्राइब किया है और बताया है इट इज स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन। तो कितनी स्पीशीज है प्लांट और एनिमल की टोटल नंबर में, 1.5 मिलियन से भी ज्यादा, ठीक है? लेकिन अभी भी हम क्लियर नहीं है बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स दैट हैव नॉट बीन आइडेंटिफाइड सो फार। मतलब अभी भी ऐसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको अभी तक हमने डिस्कवर ही नहीं किया है, या फिर कुछ ऐसे भी हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ठीक है? तो जरा आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एस्टिमेट्स वेरी वाइडली एंड मैनी ऑफ देम आर ओनली एजुकेटेड गैसेस, फॉर मैनी टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स स्पीशीज इन्वेंटर्स आर मोर कम्प्लीट इन टेम्परेट दैन इन ट्रॉपिकल कंट्रीज। ऐसा भी ऑब्जर्व किया गया है कि टेम्परेट और ट्रॉपिकल कंट्रीज में जो नंबर ऑफ स्पीशीज हैं या फिर जो टेक्सोनॉमिकल ग्रुप हैं वो संख्या में, नंबर में वेरी कर सकते हैं। कंसीडरिंग दैट एन ओवरवेलमिंग लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ स्पीशीज वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड आर इन ट्रॉपिक्स। तो ऐसा माना जाता है कि ट्रॉपिक्स में अभी भी कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जो डिस्कवर नहीं हो पाई हैं। बायोलॉजिस्ट मेक अ स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन ऑफ द टेम्परेट ट्रॉपिकल स्पीशीज रिचनेस ऑफ एन एग्जॉस्टिवली स्टडीड ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स एंड इंसेक्ट के अलावा एक्सट्रापोलेट दिस रेशियो टू अदर ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी कुछ ऐसे बायोलॉजिस्ट हैं जो कि अपने डाटा को, अपने स्टैटिस्टिक्स को अभी भी फॉर्म करने में लगे हुए हैं और आइडेंटिफाई कर रहे हैं बाकी जो न्यू प्लांट्स और एनिमल की स्पीशीज हैं उन्हें। फिर लिखा होगा सम एक्सट्रीम एस्टीमेट, कुछ ऐसे एस्टीमेट लगाए गए हैं जिसके हिसाब से 20 से 25 मिलियन ऑफ स्पीशीज हमारे अर्थ पर प्रेजेंट हैं, बट अ मोर कंजर्वेटिव एंड साइंटिफिकली साउंड एस्टीमेट मेड बाय रॉबर्ट मे। तो रॉबर्ट मे के नाम को आप अंडरलाइन करेंगे, इन्होंने एक एस्टिमेशन दिया था
places the global species diversity at about 7 million. तो रॉबर्ट मे के हिसाब से जो हमारी एस्टिमेटेड डाइवर्सिटी होगी ग्लोब की, वर्ल्ड की जो डाइवर्सिटी है, इट विल बी 7 मिलियन. तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कितनी ऐसी स्पीशीज हैं जिनको डिस्कवर किया जा चुका है. सो हियर यू कैन सी मोर देन 70% ऑफ ऑल द स्पीशीज रिकॉर्डेड आर एनिमल्स. यानी कि 70% से भी ज्यादा स्पीशीज एनिमल्स की हैं, जबकि जो प्लांट्स हैं जिसमें एल्गी, फंजाय, ब्रायोफाइट, स्टिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को इंक्लूड किया गया है, ये 22% से ज्यादा प्रेजेंट नहीं होंगे, राइट. और एनिमल्स में भी सबसे ज्यादा मिलने वाले ऑर्गेनिजम्स कौन से होंगे, इंसेक्ट्स होते हैं. सो यू कैन सी कि आउट ऑफ 10 एनिमल्स, हर 10 एनिमल्स में से 7 आर इंसेक्ट्स. 7 एनिमल्स जो होंगे वो क्या होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि सभी एनिमल्स में जो सबसे ज्यादा रेशियो होगा वो किसका होगा, इंसेक्ट्स का होगा, यानी कि फाइलम आर्थ्रोपोडा, राइट. तो हमने इन वर्टिब्रेट में इंसेक्ट्स को पढ़ा था फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर. सो हियर यू कैन सी कि अमंग ऑल द एनिमल्स देयर इज अ ह्यूज डाइवर्सिटी ऑफ इंसेक्ट्स, क्लियर है. हियर इज दिस, ये बायो चार्ट या पाई चार्ट आपको जो यहाँ पर नजर आ रहे हैं, यू कैन सी दिस एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको ये CBSE यानी कि अपने बोर्ड्स के एग्जाम के लिए भी पढ़ना है, साथ ही साथ जो नीट एस्पिरेंट्स हैं मैं उनको बता दूं कि लेबलिंग के रिस्पेक्ट में ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है. सो यू मस्ट नो द करेक्ट लेबलिंग, राइट. ये इनवर्टिब्रेट्स की बात हो रही है. यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी किसकी है, इंसेक्ट्स की. फिर उसके बाद आपने देखा अदर एनिमल ग्रुप्स आए, देन मोलस्का है एंड सबसे कम क्रस्टेशियन. तो इनवर्टिब्रेट में जो एनिमल्स की हम बात कर रहे हैं सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी इंसेक्ट्स की होगी, फिर अदर एनिमल ग्रुप्स, देन मोलस्का एंड देन क्रस्टेशियन. सो यू कैन रिमेंबर इट, लर्न इट द वे यू वांट, ठीक है. अब हम बात करेंगे वर्टिब्रेट्स की. वर्टिब्रेटा में आप देखोगे स्पीशीज ने 50% कवर किया हुआ है. दैट मीन्स जो स्पीशीज है वो फिशेस की है जिसने 50% कवर किया हुआ है. इसी के साथ हम आगे देखेंगे. और जो थर्ड आपको पाई चार्ट गिवन है प्लांट्स का है, राइट. तो इन वर्टिब्रेट्स में हमने देखा इंसेक्टा सबसे ज्यादा थे. वर्टिब्रेट्स में ये यू कैन सी दैट फिशेस कंप्राइजेस मोस्ट ऑफ द रीजन, मोस्ट ऑफ द एरिया. उसके अलावा आपने मैमल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और एम्फीबियंस को देखा. तो ये लेबलिंग आपको प्रॉपर तरीके से याद होनी चाहिए. साथ ही साथ जो प्लांट्स के लिए यहाँ पर पाई चार्ट गिवन है उसमें आप देख सकते हैं फंजाय विच आर ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर दिस कैटेगरी. यहाँ पर फंजाय और एंजियोस्पर्म काफी ज्यादा एरिया इन दोनों कैटेगरीज ने कवर किया हुआ है पाई चार्ट में. दैट मीन्स इनका जो रेशियो होगा वो एल्गी, लाइकन, फर्न्स या मॉसेस के कंपेरिजन में ज्यादा है. सो आपको ये तीनों ही पाई चार्ट बहुत अच्छे तरीके से याद करने हैं. देन वी विल मूव अहेड. लिखा हुआ इट शुड बी नोटेड दैट दीज एस्टिमेट्स डू नॉट गिव एनी फिगर्स फॉर प्रोकैरियोट्स. इसका मतलब ये हुआ कि जब हम बायोडायवर्सिटी के बारे में बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर और स्पीशीज, तो हम यहाँ पर प्रोकैरियोट्स को ज्यादा इंक्लूड नहीं करते. जो बायोलॉजिस्ट हैं वो भी कंफर्म नहीं है, श्योर नहीं है कि कितनी प्रोकैरियोटिक स्पीशीज एग्जिस्ट करती है. तो प्रॉब्लम क्या है, द प्रॉब्लम इज दैट कन्वेंशनल टेक्सोनॉमिक मेथड्स आर नॉट सुटेबल फॉर आइडेंटिफाइंग माइक्रोबियल स्पीशीज एंड मैनी स्पीशीज आर सिंपली नॉट कल्चरेबल अंडर लेबोरेटरी कंडीशंस. इस पर मैं एम्फोसाइज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि नीट 2020 में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अजर्शन रीजनिंग के बेसिस पर आ सकता है, या फिर जो 12th के स्टूडेंट्स हैं जो कि अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको भी इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए. तो पूछ सकते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं बायोलॉजिस्ट ने ये कंफर्म क्यों नहीं किया, वो श्योर क्यों नहीं है कि कितने प्रोकैरियोटिक स्पीशीज एग्जिस्ट करती है. और इसी के साथ साथ आप देखोगे लिखा हुआ है कि अगर हम बायोकेमिकल या मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया का यूज करेंगे तो शायद जो प्रोकैरियोटिक स्पीशीज हैं दे विल आल्सो रन अलोन
इन दी या इन टू दी इन मिलियंस। तो जो स्पीशीज होती है प्रोकैरियोट्स की वो भी मिलियन में हो सकती हैं, राइट। आगे देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है। ऑल्दो इंडिया हैज ओनली 2.4% ऑफ वर्ल्ड लैंड एरिया, If its share of the global species diversity is an impressive 8.1%. हालांकि हमारा जो इंडिया है वो पूरे वर्ल्ड का सिर्फ 2.4 लैंड एरिया को ही कवर करता है, लेकिन जो डायवर्सिटी स्पीशी डायवर्सिटी यहाँ पर दिखती है मिलती है वो कितनी है 8.1%। तो इसीलिए बोला जाता है कि इंडिया 12 मेगा डायवर्सिटी कंट्रीज में से एक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा ह्यूज वैरायटी है, नंबर ऑफ स्पीशीज बहुत ज्यादा है। सो लगभग 45,000 स्पीशीज प्लांट्स की और इसके लगभग डबल ट्वाइस नंबर में एनिमल्स की स्पीशीज रिकॉर्ड की गई है सिर्फ इंडिया से, ठीक है। फिर लिखा है ऐसी बहुत सारी और भी स्पीशीज हो सकती हैं जो कि अभी तक डिस्कवर नहीं हुई है या फिर जिनकी नेमिंग नहीं हो पाई। तो अगर हम मेज ग्लोबल एस्टिमेट के बारे में बात करें, सो ओनली 22% ऑफ टोटल स्पीशीज हैव बीन रिकॉर्डेड सो फार। अभी तक सिर्फ 22% स्पीशीज को ही रिकॉर्ड किया गया है। ऐसा काफ़ी ज़्यादा प्रपोर्शन है इंडिया की डाइवर्सिटी का जिसको हम अभी तक डिस्कवर नहीं कर पाए हैं। ऐसा माना जाता है कि लगभग 1,00,000 प्लांट की स्पीशीज ऐसी हैं और 3,00,000 एनिमल्स की स्पीशीज, मोर देन 3,00,000 स्पीशीज ऐसी हैं जो कि डिस्कवर नहीं हुई है, राइट। तो इसका मतलब है इंडिया एक बहुत ही ह्यूज बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट है, मेगा डायवर्सिटी कंट्रीज में से एक है। द सिचुएशन अपीयर्स मोर होपलेस व्हेन वी रियलाइज दैट अ लार्ज फ्रैक्शन ऑफ दीज स्पीशीज फेस द थ्रेट ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट इवन बिफोर वी डिस्कवर देम। ये बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात है कि ऐसी स्पीशीज हमारे वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रही हैं जो कि एक्सटिंक्ट होने को तैयार है, जो कि एंडेंजर्ड स्पीशीज है। अगर हमने उनको जल्दी डिस्कवर नहीं किया या फिर उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं देंगे तो ये जो नंबर ऑफ स्पीशीज हैं, जो डाइवर्सिटी है, वो डिक्रीज हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्पीशीज है वो एलिमिनेट हो जाएंगी, दे विल बी एक्सटिंक्ट। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया है। ये टॉपिक आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और आपको जो भी डाउट्स होंगे आप कमेंट्स में पूछेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।